नमस्कार, यूटीवी न्यूज़ 24 की एक और नई खबर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी के बहुत बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देख लेना चाहिए मेरे हिसाब से आपको, तो क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी ने दोबारा से मैदान पर वापसी कर ली है। और महेंद्र सिंह धोनी, जो MS धोनी भी कहते हैं उनको, चेन्नई के M चिदम्बरम स्टेडियम में प्रैक्टिस करते हुए नजर आए ब्रावो के साथ, और पहली गेंद पर जोरदार छक्के के साथ शुरुआत की तो गेंद पहुंचा दी स्टेडियम से बाहर। स्टेडियम से बाहर कहने का मतलब मेरा ये है कि जो बाउंड्री होती है बाउंड्री से बाहर पहुंचा दी और दर्शक के बीच गेंद जाके लगी, तो दर्शकों ने जोरदार स्वागत किया उनके छक्के का और दर्शकों में बहुत ज़्यादा उत्साह देखने के लिए मिला। आप सभी को पता है वर्ल्ड कप 2019 के बाद से ही जहां पर सेमीफाइनल मैच चल रहा था इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में, वहां पर MS धोनी आउट हुए थे रन आउट, और उसके बाद से आज तक का रिकॉर्ड है टीम इंडिया की ओर से महेंद्र सिंह धोनी खेलते हुए नज़र नहीं आए हैं। मगर अभी अभी सुनने में खबर ऐसी आ रही है कि महेंद्र सिंह धोनी कुछ दिन बाद भारतीय टीम में एंट्री ले सकते हैं। MS के प्रसाद ने भी क्लियर कर दिया है कि महेंद्र सिंह धोनी अगर IPL में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उनके प्रदर्शन पे भी डिपेंड करेगा। अगर उनने अच्छा प्रदर्शन किया तो हो सकता है कि आने वाले T20 वर्ल्ड कप में वो भागीदार रहें, और अच्छा प्रदर्शन के दम पर ही उन्हें भारतीय टीम में एंट्री मिलना बिल्कुल तय है। अगर दोस्तों आप भी महेंद्र सिंह धोनी के बहुत बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर लीजिए, और ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मुंबई इंडियंस ने पिछली बार चेन्नई सुपर किंग को फाइनल मैच में हराने के बाद खुद मुंबई चैंपियन बनी थी। अब देखना यह होगा कि महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई वाली चेन्नई सुपर किंग टीम इस बार क्या चैंपियन बन पाती है IPL 2020 में कि नहीं बन पाती है। फिलहाल महेंद्र सिंह धोनी जिम में बहुत ज़्यादा पसीना बहा रहे हैं, तो वहीं क्रिकेट के मैदान पे भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वहीं सुरेश रैना भी प्रैक्टिस करते हुए नजर आए। तो फिलहाल इस खबर में इतनी था, मिलते आपसे कुछ ऐसी खबर के साथ, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए और देखते रहिए UTV News 24।